लास्ट टू डेज फेस्टिवल था ना, तो छुट्टी थी। आप लोगों ने सेलिब्रेट किया और एंजॉय किया। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यारी प्यारी फोटोज भेजी, प्रिटी प्रिटी ड्रेसेस में। थैंक यू। मैंने वो सारी की सारी पिक्चर्स देखी हैं और अच्छे से संभाल के रख ली हैं। तो हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बताएंगे व्हाट इज द डेट टुडे। आज क्या डेट है? कम, टुडे इज 15 April 2021। टुडे इज 15 April 2021, यानी कि आज 15 April 2021 है। एंड व्हाट इज द डेट टुडे? आज कौन सा दिन है? टुडे इज थर्सडे। आज थर्सडे है। ओके किड्स, पता है ये दो दिन जो छुट्टी थी ना, तो हम बहुत सारा घूमे, इतना घूमे इतना घूमे, और रात को खूब देर तक हम बात करते रहे, सोए नहीं। तो हम देख सुबह लेट से उठे, बहुत लेट से उठे। एक तो अभी भी सो रहा है, दिखाऊं? ये देखो, ही स्टिल स्लीपिंग, ये अभी भी सो रहा है। लेकिन ये तो लग रहा है कि फ्लोर पर ही सो गया, जमीन पर सो गया। इसके नीचे एक स्ट्रॉ मैट ड्रॉ कर दे, एक मैट ड्रॉ कर दे, ताकि उसको अनकंफर्टेबल नहीं लगे, चुभे नहीं सके। सो ये स्लीपिंग मैन है, और इसके नीचे में जो हमने लाइन ड्रॉ कर दी, वो बन गई हमारी स्लीपिंग लाइन। सो दिस इज स्लीपिंग लाइन। ये कौन सी लाइन होती है? स्लीपिंग लाइन, ठीक है। जो लाइन जब हम सो रहे होते हैं, लेटे होते हैं, तो हमारी बॉडी की जो शेप होती है उसको हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। दिस इज स्लीपिंग लाइन। अब अगर हम इसको उठा दे, वेक अप बॉय, वेक अप, इट्स मॉर्निंग, कम ऑन गेट अप, और ये उठ गया। देखा, नाउ ही इज अवेक एंड ही इज स्टैंडिंग। अब ये उठ के खड़ा हो गया है। तो अब हम इसके पास में एक लाइन ड्रॉ करें। आहा, he is very tall. देखो, इसके पास में कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ी। सो ही इज स्टैंडिंग। व्हाट इज दिस बॉय डूइंग? ही इज स्टैंडिंग, ये खड़ा हुआ है। तो इसके पास में जो लाइन ड्रॉ की हमने, वो बन गई स्टैंडिंग लाइन। एक बार फिर से करेंगे। दिस इज स्टैंडिंग लाइन, ये एक स्टैंडिंग लाइन है। तो आज आपको ये प्रैक्टिस करना है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इट इज वेरी इजी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, स्लीपिंग लाइन किसको बोलते हैं और स्टैंडिंग लाइन किसको बोलते हैं। बच्चों, ये घर पे प्रैक्टिस करो। और एक बात, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो जब आप कोई वीडियो भेजते हो, आप उस वीडियो को बनाते वक्त में मुझसे, यानी कि अपनी टीचर से, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। लेकिन ऐसा मत करना कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और फिर भी आप पूछो नहीं। आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर वीडियो में पूछना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हो। आपको जो सवाल करना है, आपकी मम्मी को बोलो, आपका क्वेश्चन रिकॉर्ड करेगी और ग्रुप में भेज देगी। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।